देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। पहली खबर भदोही से सामने आ रही है, जहां पर भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। इस्तीफा पत्र वायरल होने की जानकारी पाकर विधायक ने इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए उनके खून का एक एक कतरा समर्पित है। उनके लेटर पैड का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने जांच के लिए कोतवाली में भी तहरीर दी है। बता दें कि सूबे के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई विधायकों के इस्तीफा देने से पूरे दिन प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी रही। मैं इस पे बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ये किसी बड़े नेताओं के हाथ के द्वारा ये साजिश के तहत हमारा लेटर पैड वायरल किया गया है, जो ना तो हमारे द्वारा लिखा गया है। और इसमें मैं मांग भी कर रहा हूँ, अभी मैं FIR दर्ज कराने जा रहा हूँ कि ये किसके ID से ये लगा हुआ है। उस ID जो ये व्यक्ति लगाया है उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ये पूरी तरह से असत्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता, जो 1991 से दरी बिछाने से लेकर के टाट बिछाने से लेकर के केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी जिसके जेहल में है, वहां पे दूसरी कोई बात हो ही नहीं सकती। केवल भ्रामक स्थितियां समाज में पैदा करने का काम किया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में सक्रिय मरीजों की संख्या लगभग 7,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो प्रतिदिन 1,000 से ज्यादा मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें चिंताजनक बात यह है कि कोरोना का जो नया वेरियंट है ओमिक्रॉन, उसके मामले ज्यादातर सामने आ रहे हैं। लखनऊ में लगभग 118 सक्रिय ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर लखनऊ के लोकबंधु और बलरामपुर अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिया गया है। वहीं लोकबंधु चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी ने कहा कि ईश्वर का बहुत धन्यवाद है कि जो कोरोना के मामले सामने आए हैं उनमें हल्के ही लक्षण हैं, चिंता की बात नहीं है, लोग ठीक हो रहे हैं। हमारे यहाँ कोविड के 2 मरीज भर्ती है, 20 बेडों का कोविड वार्ड बनाया गया है। वहीं मऊ के सहादतपुरा बाजार के सारहू पुलिस चौकी के पास एक बंद दुकान में गांजा बिक रहा था। क्षेत्राधिकारी नगर को सूचना मिली, वहां पे सूचना के बाद दलबल के साथ छापेमारी की गई और रंगे हाथ 2 गांजा विक्रेताओं को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से आधा किलो गांजा भी बरामद किया गया है। वहीं स्थानीय निवासी ने बताया कि जिले के इस क्षेत्र में काफी दिनों से गांजा का व्यापार 2 व्यक्तियों की ओर से किया जा रहा था। अब इन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है और शातिरों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। गुमटी में जहाँ सब्जी मंडी है वहाँ गुमटी में एक दिव्यांग और एक गब्बर नाम का व्यक्ति जो है गब्बर मोहम्मद छिप के अपना उसी में बेचते थे भांग का, हमको लगता है ठेका के नाम पे, बंद गुमटी में आड़ में बेच रहे थे। पकड़े गए हैं लगभग आधा किलो के आसपास, आधा किलो से 1 किलो के बीच में गांजा बरामद हुआ है। कोतवाली पुलिस लेके गई है उनके खिलाफ। गोरखपुर में गगहा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर भलुआन गांव में युवक को लाठी डंडे से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक को बुरी तरह से पीटने के बाद 4-5 आरोपी उसका सर का बाल छीलते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिस ने गांव के ही रहने वाले मुख्य आरोपी मनीष और अनूप सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भेज दिया है। पूरा मामला छेड़खानी का बताया जा रहा है। अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर तंत्र मंत्र कर रकम दोगुनी करने वाले 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक पीड़ित के साथ ठगी करने वाले पर तहरीर करते हुए कार्रवाई की है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों युवकों को तहरीर के आधार पर गिरफ्तार किया है। साथ ही बताए गए ठिकानों पर छापेमारी करते हुए जाली नोट छापने वाले उपकरण के साथ लाखों की नकदी को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। इंस्पेक्टर संदीप शुक्ला ने बताया कि लंबे समय से इनका खेल इसी प्रकार से जारी था। अन्य सरगना की तलाश जो है वो भी जारी है, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो सके।
कल दिनांक 11 जनवरी 2022 को थाना अचलगंज में नीरज गुप्ता ने जाके एक प्रार्थना पत्र दिया कि उनसे 1,00,000 रुपये लेकर के रुपया दुगना करने के लिए मांगा गया और मांगने पर नहीं दे रहे हैं। उस उनके तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया जिस पे थाना प्रभारी त्वरित एक्शन लेते हुए और उस पर कार्रवाई किया। तो इसमें रंजीत यादव और राजीव चंचल उर्फ चौथी बाबा इनके पास से 500 रुपये नोट की 1,28,000 रुपया नकली करेंसी और नोट छापने की मशीन बरामद हुई है। वही महाराजगंज जिले के फरेंद्र क्षेत्र के पास विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रशासनिक मशीनरी के साथ पुलिस भी चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने के लिए सक्रिय हो गई है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में फरेंदा में फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत पुलिस भी बेहद सख्त इस मामले पर नजर आ रही है। फ्लैग मार्च में SDM फरेंदा दिनेश मिश्रा, CO सुनील दत्त दुबे के नेतृत्व में फरेंदा सर्किल के समस्त PRV थाना मोबाइल और SSB के साथ एरिया डिमोशन शामिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि DM और SP ने लोगों से कानून व्यवस्था को बनाए रखने और सहयोग करने की भी अपील की है। ये आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांत और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने, आदर्श आचार संहिता धारा 144 व कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए आज एरिया डोमिनेशन किया गया था, जिसमें हमारे जिले के श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, SDM महोदय तथा समस्त पुलिस बल उपस्थित रहा। इसमें फ्लैग मार्च तथा जहां जहां अवैध शस्त्र, अवैध शराब आदि की शिकायतें थी वहां फ्लैग मार्च किया गया और जो हमारे निगरानी समिति की जहाँ जहाँ चेक पोस्ट है वहाँ चेकिंग की गई ताकि चुनाव आचार संहिता का 100% पालन किया जा सके। वहीं कानपुर देहात में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव सड़क के किनारे बरामद हुआ है। घटना से जहां परिजनों में कोहराम मच गया वहीं इलाके में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित करते हुए परिजनों से भी पूछताछ की है। वहीं पुलिस की जांच में युवक की हत्या किए जाने की बात निकलकर सामने आई है। थाना सिकंदरा के महमूदपुर गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर सड़क के किनारे एक युवक की लाश मिली है। इस संबंध में मौके पर पुलिस ने जांच प्रथम दृष्टया जांच में पाया है कि उसको गला घोट करके हत्या की गई है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भिजवा दिया गया है। तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और घटना के कारणों के लिए छानबीन की जा रही है। पुलिस टीमें लगाई गई हैं, शीघ्र ही घटना का निर्धारण करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं चंदौली के सैयद राजा पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर चेकिंग के दौरान 3 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 अवैध असलहे और कारतूस को भी बरामद किया गया है। बता दें कि कंटेनर से 25 गौवंश और एक गाड़ी से 300 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। पकड़े गए तस्करों के पास से कच्ची शराब की बड़ी खेप को बरामद किया गया है। थाना सैयद राजा द्वारा एक चेकिंग के दौरान एक कंटेनर, एक स्कॉर्पियो और उसमें 300 लीटर शराब और कुछ 25 गौवंश बरामद किए गए हैं, जिसमें 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। और ये चेकिंग के दौरान जो नौबतपुर का पॉइंट पड़ता है हाईवे का, वहाँ से अरेस्टिंग की गई है। और इसमें एक जो आदमी है वो नेपाल का उसका एड्रेस है, जब उससे पूछताछ की गई तो उसके बारे में भी आगे पूछा जा रहा है कि वो किस कारण यहाँ पर आया और संबंधित एम्बेसी के थ्रू इनको लिखा जाएगा और जानकारी दी जाएगी कि ये कब से ये इस गतिविधियों में इन्वॉल्व है और के साथ के साथी और कौन है और जो भी इसमें आगे विधिक कार्रवाई होगी वो भी कंप्लीट की जाएगी। इनके पास से एक तो कंटेनर ट्रक जिसमें गौवंश को लेकर जा रहे हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी और शराब 300 लीटर और कुछ 315 बोर्ड के कट्टे भी बरामद हुए हैं और जो सारी विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है और जल्द इसमें खत्म भी की जाएगी। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जहां चुनाव आयोग तत्पर है वहीं शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस भी सक्रिय नजर आ रही है। इसी क्रम में बलरामपुर के विभिन्न स्थानों पर आज पुलिस ने
पैरामिलिट्री फोर्स सशस्त्र सीमा बल के साथ फ्लैग मार्च किया, जिसमें थाना कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक संजय दुबे, सीओ सिटी वरुण मिश्रा समेत सशस्त्र सीमा बल के कमांडर ने मिलकर विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने बताया कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर विभाग क्रियाशील है, वैसे ही सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने पुलिस को सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया है। चुनाव से पूर्व शांति व्यवस्था के लिए हमें पैरामिलिट्री फोर्सेज मिलती रही हैं, प्रत्येक जनपद में भी गई हुई हैं। इसी क्रम में इस जनपद को SSB प्राप्त हुई है। ये विभिन्न थानों पर इनके शेड्यूल बनाए गए हैं, तो आज कोतवाली नगर में उसी शेड्यूल के अंतर्गत जो क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ्स थे हमारे, जो संवेदनशील बूथ्स थे और एरियाज थे, वहाँ कोतवाली नगर के सभी क्षेत्रों में देवरिया रानी जोत हुआ, कटरा शंकर नगर हुआ, नगर के जो बूथ्स हुए, सभी जगह SSB और पुलिस द्वारा संयुक्त भ्रमण किया गया है और जो भी विवादित व्यक्ति हैं और अन्य अराजक तत्व हैं, सभी को यह संदेश दिया जा रहा है कि मतदान शांतिपूर्वक कराया जाएगा और जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बदायूं के थाना बिनावर का औचक निरीक्षण किया गया है। औचक निरीक्षण कर महिला हेल्प डेस्क CCTNS कक्ष थाना परिसर बेस को चेक कर अभिलेखों का अवलोकन किया गया। चुनाव के मद्देनजर कार्यालय में चुनाव रजिस्टर, शस्त्र जमा रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, IGRS महिला हेल्प डेस्क रजिस्टरों का निरीक्षण किया गया। अवैध चुनाव सामग्री और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लाइन क्षेत्र अंतर्गत अर्ध सैनिक बल के रुकने के लिए BRB कॉलेज का निरीक्षण किया गया है और थानों का भी निरीक्षण हुआ। अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली है। युवती के आत्महत्या करने का कारण अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने बताया कि मृतका को मिर्गी की गंभीर बीमारी थी, आए दिन उसे मिर्गी के दौरे भी पड़ते रहते थे। रक्षावती को ससुराल में भी कई बार इस तरह से दौरे पड़ चुके थे, जिस कारण ससुराल वालों ने भी उसे छोड़ दिया था। तब से जो महिला थी अपने माता पिता के साथ रह रही थी, जो कई दिनों से दिमागी रूप से भी परेशान चल रही थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि अभी हादसे के कारण का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया गया है। और बचपन से ही बेचारी बीमार रहती थी, उनके इलाज भी बराबर होता रहा, मिर्गी का प्रॉब्लम थी, मिर्गी दौरा आता था। धीरे धीरे करते करते बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। कई बार वो घर में अपने अनायास कहती थी हम ऐसा कर लेंगे, वैसे तो बहुत समझाते थे लोग कि ठीक है अपनी इच्छा से जो करना कहो, लेकिन रहो, नाराज़ ना हो, कहीं जाओ नहीं। तो कई बार ऐसा होता रहा, लेकिन अपने आप बेचारी अपने आप धीरे धीरे बीमारी बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी लास्ट में। और आज सुबह शायद पता नहीं कब निकल पड़ी रात से, किसी को पता ही नहीं चला। फिर सुबह 9 बजे तक लोग सोचते रहे कि यहीं आस पड़ोस में होंगी, धीरे धीरे देखा कि यहाँ कहीं है नहीं। तो फिर साइकिल लेकर देखना शुरू किया गया, पता लगा वहाँ ट्रेन के हादसे में हादसा हो गया, देखा गया कि वही थी। वही ताज नगरी आगरा के एतमादपुर विधानसभा के बड़ी संख्या में मंडल अध्यक्ष और नगर अध्यक्षों ने ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। हमारा इस्तीफा स्वीकार करो के नारे लगाए गए। ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर जोरदार हंगामा करते हुए सपा से भाजपाई हुए डॉक्टर धर्मपाल का जोरदार विरोध हुआ। जिस विधायक 2017 में 50,000 से अधिक वोटों से हराया गया, जिसने 2012 से लेकर के अब तक सिर्फ कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को पीड़ित करने का कार्य किया है, ऐसी कौन सी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी आ गई? ऐसी कौन सी गलत रिपोर्ट पदाधिकारियों ने ऊपर दी गई कि उनको एतमादपुर विधानसभा के लिए ज्वाइन कराया जाता है? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो जिनकी रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जिनको परसों तक जो अपने सम्मेलन कर रहे हैं उसमें मोदी जी और योगी जी को गाली दे रहे हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो स्थानीय विधायक में, ऐसी कौन सी कमी थी, कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप है जिसके स्थान पर स्थानीय के दल प्रमुख जनसत्ता दल, बसपा, कांग्रेस और वर्तमान में सपा से जो प्रत्याशी घोषित था, उस आदमी को ऐसी कौन सी लालच आ गया जिसको कि एतमादपुर विधानसभा की सीट से चुनाव लड़ना पड़ा? और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।